हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक DIY फेस वॉश। जो नॉर्मल वाला फेस वॉश है वो कितना भी हर्बल हो और नेचुरल हो, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल रहता ही है जो रेडीमेड है, लेकिन ये बिल्कुल भी केमिकल एडेड नहीं है, बिल्कुल घर का नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो मैं सिखाऊंगी आपको कि ये कैसे बनता है। मैं तो दिन में 2 बार जो नॉर्मल वाला फेस वॉश है उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं दिन में 1 बार ये यूज़ करती हूँ और 1 बार जो नॉर्मल फेस वॉश है उसको यूज़ करती हूँ। तो ये मैं सुबह के टाइम यूज़ करती हूँ और उसको रात में यूज़ करती हूँ सोने से पहले। तो इसको हर दिन यूज़ करने से एक पैम्परिंग भी हो जाता है स्किन का, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छा इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाना कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी इसको बनाना सिखाऊंगी। तो मैं ये डालूंगी अभी 2 चम्मच गेहूं का आटा, बंगाली में बोलता है गोमेर आटा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये है चावल का आटा, बंगाली में बोलता है चालेर गुड़ो, ये स्क्रबिंग का काम करता है, बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ा ही बनाइएगा पहले, और इसको अगर आप बनाओगी एक बार तो आपका बॉडी में भी स्क्रबिंग का काम करेगा, या आप बॉडी उपटन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और ये घर में पिसा हुआ हल्दी है, आप चाहे तो कस्तूरी हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। ये मुल्तानी मिट्टी है, मैं 2 चम्मच डालूँगी मुल्तानी मिट्टी। और ये है आल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर, इसका रिव्यू मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो मैं ये सैंडलवुड पाउडर डालूँगी 2 चम्मच। और अभी डालूँगी मैं बेसन, बेसन तो आप लोगों को पता ही है स्किन के लिए कितना अच्छा है, तो मैं 2 चम्मच डालूँगी बेसन। और अभी डालूँगी मैं कॉफ़ी, कॉफ़ी में कैफीन रहता है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी तो सब कोई जो कॉफ़ी का फेस पैक है या फिर जो फेसियल है करवाते हैं, तो मैं 2 चम्मच इसका डालूँगी, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। तो इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे और पूरा मिक्सचर अच्छे से मिल जाए, बहुत ध्यान से मिलाना इसको। तो ये बन के रेडी हुआ हमारा फेस वॉश, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से। आप चाहे तो एक दो प्रोडक्ट यूज़ भी कर सकते हो अलग से, जैसे कि रोज़ पेटल पाउडर, और भी पाउडर आता है स्किन के लिए, आपके पास हो तो यूज़ करना, या तो फिर एक दो स्किप भी कर सकते हो जैसे गेहूं की आटा। तो इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट है जो आप ज़रूर डालना, जैसे कि चावल का आटा, बेसन, कॉफ़ी, और जो मुल्तानी मिट्टी है, और जो सैंडलवुड पाउडर है वो एकदम मस्ट इंग्रेडिएंट है। तो इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा, बस थोड़ा सा ही बनाइएगा पहले। ये एक मिराकल प्रोडक्ट बोल सकते हो आप इसको फेस पैक करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हर दिन इसको फेस वॉश की तरह यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। आप 7 दिन इसको हर रोज़ यूज़ कीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा 7 दिन में कि कितना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें हल्दी है इसीलिए आपको वाइटनिंग भी महसूस होगा कि आपका स्किन थोड़ा बहुत जो टैन है वो रिमूव हो गया है। तो मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, इसको 1 चम्मच लेना है, इसके साथ आपको सिर्फ पानी ही मिलाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले आपका जो फेस है उसको धो लेना है अच्छे से, सिर्फ नॉर्मल वाटर से।
उसके बाद इसके अंदर एक चम्मच रखना है, बस थोड़ा सा लेके इसके अंदर पानी डाल के आपको स्क्रब करते रहना है। तो आप चाहे तो इसको 1-2 मिनट लगा के भी रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता सुबह में। तो मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी धीरे धीरे, ज़्यादा जोर से नहीं करना है नहीं तो रेस निकल जाता है। तो इसमें आपका जो पिगमेंटेड एरिया है आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, आप अंडर आर्म पे, नेक पे, अपना बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी निकलता है। मैं धो लूंगी इसके बाद अच्छे से। तो देखिए आपको इसमें जो ग्लो दिख रहा है इंस्टेंट, वो आपको इंस्टेंट ही दिखेगा और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। तो आपका जो पिगमेंटेड एरिया है वो आपका 7 दिन जब यूज करेंगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। नोज के ऊपर जो आपको ब्लैक हेड्स रहता है, व्हाइट हेड्स रहता है, वो निकल देगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ करो उसके बाद ही आपको पता चलेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।